नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप पेटीएम मर्चेंट हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं गाइज, तो आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप उसे बैंक अकाउंट में सेटल कर सकते हैं, यानी पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन के बैलेंस को सेविंग अकाउंट में कैसे सेटल कर सकते हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइज, कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर आप पेटीएम कैश कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है, उसमें जाकर रजिस्टर करके आप इंस्टेंट 20 रुपीज़ कैशबैक ले सकते हैं, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ रेफर करते हैं तो आपको 6 रुपये पर रेफर मिलेगा। तो जाकर ज्वाइन कीजिएगा, इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए गाइस, बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सेटल करना है। तो सबसे पहले आपको पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज देखिए, यहाँ पर मैं आज एक पेमेंट एक्सेप्ट किया हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 378 रुपये का। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेटलमेंट का ऑप्शन पे। सेटलमेंट पर क्लिक करेंगे, नीचे में देखिए सेटल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। आप देख सकते हैं गाइज, सेटल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। अगर ये ऑप्शन आपको अभी तक नहीं मिला है, ये ऑप्शन बहुत कम लोगों को अभी तक मिला है गाइज, तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है तो आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है ऊपर, 3 बार दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा गाइस, थोड़ा स्क्रॉल करना है और सेटलमेंट सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटलमेंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा समय लग रहा है ओपन होने में, तो देख सकते हैं सेटलमेंट सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए गाइज, यहाँ पर सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगा वंस इन अ डे। अगर वंस इन अ डे पर रखते हैं तो आपको डेली सुबह 7 बजे ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, और ट्वाइस इन अ डे करते हैं तो आपको 2 बार सेलेक्ट हो 2 बार सेटल होगा, जितना भी एक्सेप्ट कीजिएगा। एक 7 बजे सेटल होगा और दूसरा 4 बजे सेटल होगा। अगर थ्राइस करते हैं तो आपको 3 बार सेटल होगा, 7 बजे, 12 बजे और 5 बजे। तो गाइज, अगर आपको सेटल नाउ का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप थ्राइस इन अ डे कर सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी जितना भी पेमेंट एक्सेप्ट करें 3 बार दिन भर में आपको सेटल हो, ये कर सकते हैं। और कुछ दिन बाद क्या होगा गाइज, कि सेटल नाउ का ऑप्शन आपको भी मिल जाएगा। तो आप देखिए सेटल कैसे करेंगे, सेटल नाउ पर क्लिक, जिन्हें सेटल नाउ का ऑप्शन मिल गया है वो सेटल नाउ पर क्लिक करेंगे। सेटल नाउ पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब सेटल नाउ पर कर दिए, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो सेटलमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, देख सकते हैं 378 रुपया सक्सेसफुल। गाइज, इस प्रकार से आप पेटीएम मर्चेंट से आप बैंक अकाउंट में सेटल कर सकते हैं अपने एक्सेप्ट किए गए बैलेंस को। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और गाइज, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। थैंक यू।